गवर्नमेंट की वर्किंग्स में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का रोल तो अब हमें अच्छे से क्लियर है। आइए आज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पार्लियामेंट के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने पास्ट लेक्चर में डिसीजन मेकर्स के टॉपिक को समझने के लिए अगस्त 13, 1990 के एक गवर्नमेंट ऑर्डर का एग्जांपल लिया था। इस एग्जांपल में हम लोगों ने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को लेकर एक रिजर्वेशन पॉलिसी को डिस्कस किया। दोस्तों, इस पॉलिसी को बनाने के पीछे 4 मेजर स्टेप्स छुपे थे, ये हम जानते हैं, और इन स्टेप्स को मैंने आप सबके लिए दोबारा यहाँ पर लिखा है। आप फिगर को ध्यान से देखिए। दोस्तों, जब आप इन स्टेप्स को नोटिस करेंगे, आपको ये रियलाइज होगा कि यहाँ पर पार्लियामेंट का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अब यहाँ से सवाल ये आता है कि आखिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि पार्लियामेंट के होने से गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट होता है। एक पॉलिसी डिसीजन को लेने के लिए पार्लियामेंट का होना तो बहुत जरूरी है। आखिर ये सब क्यों कहा जाता है? इसका जवाब दोस्तों हमें मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है Why do we need a parliament? और इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। So see you in the next lecture. I'm sure students, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।